होम डेकोर आइडियाज़। तो जैसा कि फेस्टिवल सीजन चल रहा है, इसलिए मैं आप लोगों के लिए होम डेकोर पे ढेर सारी वीडियोस लेके आई हूँ। होम डेकोर पे मैं आप लोगों के लिए सीरीज बना रही हूँ, क्योंकि अगर मैं सारे आइडियाज़ एक वीडियो में शेयर करती हूँ तो आप बोर हो जाओगे, इसलिए मैं डेली एक एक वीडियो शेयर करूँगी जिसमें मैं आप लोगों को बताऊँगी कैसे अपने घर को सुंदर से डेकोरेट कर सकते हैं। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो मैं ऐसी वीडियोस हमेशा अपलोड करती रहती हूँ, तो जैसे कि DIYs और होम डेकोर आइडियाज़, क्राफ्ट आर्ट से रिलेटेड सारी चीज़ें, तो आप सब्सक्राइब कर सकते हो। और चलिए फिर आगे का वीडियो देख लेते हैं। आज हम लोग डोर साइड हैंगिंग बनाएंगे। इसको अब बनाने के लिए आप नॉर्मल सा कोई भी कार्डबोर्ड ले ले, और मैं यहाँ पे एक हाथी और बर्ड और स्क्वायर शेप काटूंगी। आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी शेप काट सकते हो जो आपको पसंद हो। यहाँ मैं एक्रेलिक कलर यूज़ कर रही हूँ, आप कोई भी कलर यूज़ कर सकते हो। एक्रेलिक कलर इसलिए यूज़ कर रही हूँ क्योंकि इसमें एक शाइन होता है जो करने के बाद एक वुड इफेक्ट देगा, बहुत ही अच्छा लगेगा। मैं रेड कलर का वुड ले रही हूँ। रेड कलर से बहुत ही प्यारा पूरा लुक आएगा। मेरा वुड जो है थोड़ा पतला है, अगर आपका वुड मोटा वाला है तो आप सिंगल रखिएगा। यहाँ मेरा पतला है इसलिए मैं डबल इसको कर रही हूँ। उसके ऊपर अब सारे कट्स को पेस्ट करते जाए, या तो आप फेविकोल यूज़ कर सकते हो या आप सेलो टेप यूज़ कर सकते हो, एज़ पर योर चॉइस। अपने अकॉर्डिंग आप यहाँ पे सेलो टेप या फिर फेविकोल यूज़ करके इसको पेस्ट कर दें।
अब हम ग्रीन और ब्लू वूल से एक टसल बना लेंगे और नीचे में उसको टक कर देंगे। इसके बाद ये रिजल्ट है। आप इसको वॉल साइड हैंगिंग भी यूज़ कर सकते हो और विंडो साइड हैंगिंग भी यूज़ कर सकते हो, या फिर आप किसी सीनरी या फिर कोई आपके पास प्यारा सा कुछ भी फ्रेम हो उसके साइड में आप उसको हैंग कर सकते हो, बहुत ही सुंदर लगेगा। और अगर आपको ये ट्यूटोरियल अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट करो और बेल बटन ज़रूर क्लिक करना ताकि मेरी सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको आती रहे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।